चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडियाकर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती, जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है, भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए, भाजपा की भ्रष्ट नीतियाँ बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला।